नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र के महत्व के बारे में। इस नवरात्र को करने से साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा का भी विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्र विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी हैं। इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तंत्र साधना आदि के लिए गुप्त नवरात्र बेहद विशेष माने जाते हैं। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी कि पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिपदा के दिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। अब बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्र में क्या करना चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्र में सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि के दिन दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। बच्चों के मुंडन किए जा सकते हैं। गुप्त नवरात्र में व्रत रखने वाले लोगों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्र के दौरान नाखून भी नहीं काटने चाहिए। यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं और आपने घर पे अखंड ज्योत भी स्थापित कर रखी है तो घर पे ताला लगाकर बिल्कुल भी ना जाएं। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ के दौरान बीच में ना उठें और दीपक जरूर जलाएं। तंबाकू या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों को भोजन करने में अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। औरतों को मासिक धर्म में 7 दिनों तक पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष तथा अन्य वास्तु संबंधित जानकारी के लिए जॉय एस्ट्रो के साथ बने रहें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।